Next question. Uh, question says a bullet of mass ten gram, moving horizontally with a velocity of uh, four hundred meter per second, strikes a wooden block of mass two kg, which is suspended by light, uh, by light inextensible string of length five meter. As a result, the center of gravity of the block is found to rise a vertical distance of ten centimeter. Uh, सवाल ये है द स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस आउट हॉरिजोंटली फ्रॉम द ब्लॉक विल बी आसान सवाल है इसमें वर्क पा एनर्जी और मोमेंटम दोनों के कॉन्सेप्ट लगेंगे लंबा है काम करना पड़ेगा इसमें और इस तरह के सवाल यूजुअली मेंस में पूछे जाते हैं क्लासरूम में तो कोर्स इस तरह के सवाल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और ये सवाल इस बात का प्रूफ है कि हमें अच्छे सवाल भी नीट में प्रैक्टिस करने चाहिए सो so, सवाल कुछ इस प्रकार है पहले सबसे पहले तो सिचुएशन समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है सिचुएशन ये है कि यह आपका एक ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है एक बुलेट आई और बुलेट आके उसको हिट की बुलेट उसको हिट की उसके बाद बुलेट तो यहाँ से बाहर निकल गई बुलेट यहाँ से बाहर चली गई और ये जो आपका ब्लॉक है ये इसके बाद यहाँ जो इसका सेंटर ऑफ मास था वो यहाँ से 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया 10 सेंटीमीटर बिकॉज जो एनर्जी इसने इसको ट्रांसफ़र की उसकी वजह से आ, ये 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया हमें ये बताना है कि बुलेट जब बाहर निकली यहाँ से उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो जो डेटा पहले दिया हुआ है उसको एक बार लिख लेते हैं डेटा आपने को ये दिया है कि रस्सी की लेंथ फाइव मीटर है दस सेंटीमीटर ऊपर ये हो गया है ब्लॉक का वज़न टू के है बुलेट जो है वो अपनी दस ग्राम की है और ये जो बुलेट शुरू में आके इससे टकराई उसकी स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड है ये वाली वेलोसिटी हमें बतानी है तो सबसे पहले तो अगर इस यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल लगाएं इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में तो जो अपनी एनर्जी बुलेट पहले लेके आई थी उसने यहाँ पे कुछ एनर्जी इस ब्लॉक को इम्पार्ट की जिसकी वजह से ये अपना इसकी पोटेंशियल एनर्जी राइज़ हुई और प्लस ये कुछ वेलासिटी भी लेके आगे चले गए है सो so, इस केस में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस कनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस कनेटिक एनर्जी फाइनल ये आप एनर्जी कंजर्वेशन यहां पे करें अच्छा यहाँ पे हमारा जमशन ये है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय फोर्स जीरो होएगा कोई एनर्जी हम अन्ज्यूम करेंगे कोई एनर्जी लूज नहीं हुई है हालांकि उस केस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर इसी लेवल को हम uh, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो कह दें कि यह आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है इस केस में वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले एक केज कंसिडर करें कि सबसे पहले इसको ऐसे देखते हैं कि अगर ये ब्लॉक uh, आपका 10 सेंटीमीटर ऊपर गया है सो देर इस मस्ट बी अ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक यहाँ पे जिसकी वजह से जो इस ब्लॉक को बुलेट uh, के आने की वजह से कुछ वेलोसिटी मिली है और ये यह यहाँ पे राइज़ किया है सो so, इस वाले को अगर हम इनिशियल पोजीशन और इसको अगर फाइनल पोजीशन माने एनर्जी कंजर्वेशन में सो so उससे हमें इस ब्लॉक की वेलोसिटी जो आफ्टर uh, इम्पैक्ट आई वो वेलोसिटी आ जाएगी सो so, यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ज़ीरो हो गई प्लस इसकी कानीटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ तक राइज किया है विल बी इक्वल टू एम जी एच और ये दोनों मास आपके uh, ब्लॉक के मास हैं प्लस जब ये हाइएस्ट पॉइंट पर पहुँचा है इसकी कानीटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी नाउ इसके बेरिस पर हम कह सकते हैं एम विल गेट कैंसल्ड इसके बेरिस पर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एम गॉट कैंसल्ड मल्टीप्लाइड बाई जी एच इसमें अगर हम वैल्यू रख दें तो ये आ जाएगा टू मल्टीप्लाइड बाय टेन मल्टीप्लाइड बाय टेन सेंटीमीटर यानी कि टेन इंटू टेन टू द माइनस टू इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आ गई अंडर मीटर पर सेकेंड तो जस्ट आफ्टर हिटिंग बुलेट जब बाहर निकली है तो इस ब्लॉक को वो वेलोसिटी देके गई अंडर रूट टू मीटर पर सेकेंड नाउ इस केस में अब अगर हम क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है यहाँ पे तो इस केस में अगर हम अपना मोमेंटम कंजर्व कर दें तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम हम कंसिडर करेंगे कि जब ये ब्लॉक आके सॉरी जब ये बुलेट आके ब्लॉक में एम्बेड हुई इसको हिट किया उस टाइम इनिशियल कंडीशन है और फाइनल जब ये दोनों अलग हुए वो उसकी कंडीशन है तो इनिशियल मोमेंटम बुलेट का है बुलेट का मास मल्टीप्लाइड बाय बुलेट की वेलोसिटी बुलेट uh, की वेलोसिटी प्लस uh, इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है फाइनल मोमेंटम जो होगा फाइनल मोमेंटम हम बुलेट के लिखेंगे मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये चीज़ हमें निकालनी है या नोन है प्लस मास ऑफ ब्लॉक जो कि अपना टू के है ऐसे लिख लेते हैं मास ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय रूट टू अभी अभी हमने इसकी वेलोसिटी निकाल ली बस डेटा हमें डालना है और हमारा आंसर आ जाएगा सो मास ऑफ बुलेट हमें दिया हुआ है टेन टेन ग्राम है ना टेन इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय चार सौ ये हो गया अपना इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम होएगा मास ऑफ बुलेट टेन मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस ये हो गया टू मल्टीप्लाइड बाय रूट टू साइड अगर हम कैलकुलेट uh, करेंगे सो दिस विल बी टेन ये दिस विल बी फोर माइनस टू रूट टू Uh, will be equal to 10 multiplied by 10 to the power minus 3 velocity of bullet तो इसको अगर नीचे ले आए तो velocity of bullet will be equal to uh, 4 multiplied minus 2 root 2 uh, divided by 10 to the power minus 2 ये आपनी uh, calculate करके velocity of bullet आ जाएगी तो इसको अगर हम calculate करें so this will be equal to 4 minus 2 root 2 uh, root 2 अपना होता है वन पॉइंट फोर उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 1.4 पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड बाई टू विल बी 2.8, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई टू पॉइंट एट विल बी वन पॉइंट टू मल्टीप्लाईड बाई टेन टू दावर टू सो अपनी वेलासिटी ऑफ बुलेट कम्स आउट टू बी 120 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली सो बेज ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर